आपका इसमें पहला प्रश्न दिया है कि कुछ पंखे जहाज हैं और सभी जहाज हाथी हैं। देखिए इसको कैसे बनाना है, इसका सबसे पहले डायग्राम हम बनाएंगे। कुछ पंखे जहाज हैं, ये आपका पंखे का डायग्राम हो गया। कुछ पंखे जहाज है, इसमें से कुछ लेना है, कुछ भाग ले लीजिए जहाज। कुछ पंखे जहाज है और उसके बाद आपका अगला कथन दिया है कि सभी जहाज हाथी है। ये जो सभी जहाज है, सभी जहाज हाथी है। अब डायग्राम बनाने के बाद हम निष्कर्ष की तरफ देखेंगे। तो आपका पहला निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ जहाज पंखे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ जहाज पंखे हैं, पंखा और जहाज का रिलेशन है, यानी कि आपका ये कथन सही है। आपका दूसरा कथन इसमें दिया गया है कि कुछ हाथी पंखे हैं। ये देखिए हाथी का डायग्राम है और ये पंखे का, और हाथी और पंखे में भी रिलेशन है, तो यहाँ पर आपका ये भी कथन सही है। यानी इसका उत्तर होगा कि इस प्रश्न का कथन एक और कथन दो, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सभी मनुष्य खिलौना है और कोई भी खिलौना मजबूत नहीं है। ये देखिए डायग्राम, सभी मनुष्य, ये मनुष्य का डायग्राम हो गया। ये जो सभी मनुष्य हैं, खिलौना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दिया है कि कोई भी खिलौना मजबूत नहीं है, यानी जो खिलौना है वो मजबूत नहीं है, यानी मजबूत का डायग्राम अलग बनेगा। ये मजबूत का आपका डायग्राम अलग होगा, क्योंकि खिलौना और मजबूत में कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष दिया गया है कि सभी खिलौना मनुष्य है, सभी खिलौना मनुष्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये निष्कर्ष गलत है, सभी खिलौना मनुष्य नहीं हो सकता। जबकि अंदर आपका मनुष्य है तो सभी मनुष्य, सभी मनुष्य खिलौना हो सकते हैं, कुछ खिलौना मनुष्य हो सकता है, लेकिन सभी खिलौना मनुष्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपका निष्कर्ष एक जो है गलत है। और निष्कर्ष दो आपका दिया गया है कि कोई भी आदमी मजबूत नहीं है, कोई भी आदमी यानी मनुष्य दोस्तों, यहाँ पर आदमी का मतलब, कोई भी आदमी जो है मजबूत नहीं है। तो देखिए मजबूत और आदमी का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो एक निष्कर्ष है ये सही है। ये बोल रहा है कि कोई भी आदमी मजबूत नहीं है, यानी मजबूत आदमी नहीं है, दोनों का कनेक्शन अलग है, तो यहाँ पर आपका कथन तो सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आपका कथन दिया गया है कि सभी घोड़े हाथी हैं, और आपका अगला कथन है कि सभी हाथी सफ़ेद हैं। चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सभी घोड़े हाथी हैं, ये घोड़े का डायग्राम हुआ। सभी घोड़े क्या है? हाथी है, तो हाथी के अंदर घोड़े आएंगे। सभी घोड़े हाथी हैं, और आपका अगला कथन दिया है कि सभी हाथी सफ़ेद हैं। ये जितनी भी हाथी है, सभी हाथी क्या है? सभी हाथी सफ़ेद हैं। चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष आपका ये दिया गया है कि सभी घोड़े सफ़ेद हैं। ये देखिए हाथी के अंदर घोड़े हैं और सभी हाथियाँ सफ़ेद हैं, तो जाहिर सी बात है कि घोड़े भी क्या होंगे? सफ़ेद होंगे, क्योंकि ये सफ़ेद के अंदर है, तो सभी घोड़े सफ़ेद हैं। ये निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है कि सभी हाथी सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद के अंदर हाथी है, तो आपका सभी हाथी भी क्या होगा? सफ़ेद होगा। यानी यहाँ पर कथन एक, सॉरी, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो, दोनों सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका कथन दिया गया है सभी आम अनार हैं और सभी आम कच्चे हैं। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। सभी आम अनार हैं, ये आपका आम का डायग्राम हुआ। जितने भी आम हैं, ये सारे आम क्या हैं? अनार हैं, अनार हैं। और आपका अगला कथन दिया गया है कि सभी आम कच्चे हैं। ये जितने भी आम हैं, ये सारे आम जो हैं कच्चे हैं। अनार के बारे में नहीं बोला है, केवल आम के बारे में बोला है। जितना भी आम है क्या है? कच्चे हैं, तो इसलिए इसका डायग्राम आम के और अनार के बीच में होगा। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। कुछ अनार आम हैं। देखिए दोस्तों ये निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ अनार आम हैं, तो आपका अंदर आम है और पूरा बाहर अनार है, तो आम और अनार में कनेक्शन है, और आम का पूरा पट अनार के अंदर है, तो बोल रहा है कुछ अनार आम है, तो कुछ अनार भी आम होगा। तो पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा आपका बोल रहा है कि सभी अनार कच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि सभी आम अनार हैं और सभी आम कच्चे हैं, ये नहीं बोला है कि सभी अनार कच्चे हैं, और निष्कर्ष आपका दे रहा है कि सभी अनार कच्चे हैं। तो इसमें आपके कुछ अनार तो कच्चे हो सकते हैं, लेकिन सभी अनार कच्चे नहीं, क्योंकि अनार आपका जो बाहर है
कुछ अनार पके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो निष्कर्ष 2 है गलत है, यहाँ पर केवल और केवल आपका निष्कर्ष 1 निकल रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आपका कथन दिया गया है कि कुछ सेब मीठे हैं और दूसरा कथन आपका कि जो सेब मीठा है वह लाल है। चलिए देखते हैं, यह आपका सेब का हो गया डायग्राम। कुछ सेब मीठे हैं, सारे सेब मीठे नहीं है, कुछ सेब मीठे हैं, तो कुछ सेब आपके जो क्या है मीठे हैं, ये मीठे सेब का हो गया और ये सेब हो गया। पर देखो जो सेब मीठा है वह लाल है, तो जो आपका सेब मीठा है वो सारे मीठे सेब क्या है लाल है, लाल है। आपका निष्कर्ष दिया है कि सभी सेब मीठे हैं। चलिए देखते हैं, ये सेब का आपका डायग्राम हो गया और मीठा का ये बाहर है। तो देखिए दोस्तों सभी सेब मीठे नहीं है, कुछ सेब मीठे हैं लेकिन सभी सेब मीठे नहीं है, तो आपका यहाँ पर पहला निष्कर्ष गलत हुआ। दूसरा दिया गया है कि कुछ सेब लाल है, देखिए कुछ सेब मीठे हैं और जो मीठे हैं वो लाल हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सेब यहाँ पर लाल है। तो यहाँ पर आपका कथन 2 निष्कर्ष 2 जो है सही है, तो इसका उत्तर होगा कि केवल और केवल इसका निष्कर्ष 2 निकलता है।